तरह से आप पुलिंग यहाँ पे डिजाइन करें, ओके। पुलिंग में होने वाली ब्लंडर मिस्टेक नंबर वन की आपकी पहली मिस्टेक है, जब भी आप पुलिंग करने का सोचते हैं उस टाइम पे पतला लेयर लेते हैं। मैंने यहाँ पे थिक लेयर लिया है। इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे पुलिंग, तो मेरी लाइन भी आप देख सकते हैं। सेकेंड मिस्टेक पुलिंग में होने वाली ब्लंडर मिस्टेक नंबर टू वो है, जब भी आप पुलिंग करते हैं तो लाइन बहुत ही थिक करते हैं, बल्कि आपको बहुत ही पतली लाइन करनी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। सो मोस्टली लोग ये मिस्टेक कर रहे हैं, जब भी पुलिंग करते हैं लाइन को बड़ी बड़ी क्रिएट करते हैं, थिक थिक क्रिएट करते हैं। पुलिंग में होने वाली ब्लंडर मिस्टेक नंबर थ्री वो है, जब भी आप स्प्रे एप्लीकेशन करते हैं तो बड़े नजदीक से करते हैं, जबकि आपको दूर से करना होता है। अगर आप नजदीक से करोगे तो इससे होगा क्या, बिल्कुल आर्टिफिशियल बन जाती है, पेपर जैसी बन जाती है, स्टिक हो जाती है, मतलब एक नेचुरल फ्लो नहीं दिखता है अपनी हेयर स्टाइल में। पुलिंग में होने वाली ब्लंडर मिस्टेक नंबर फोर, जब भी आप लाइन क्रिएट्स करते हैं तो दो लाइन के बीच में आपका बैक कॉम्बिंग का बेस दिखता है। कैसे, जैसे कि इस साइड आप देख सकते हैं कि मेरी लाइन अनफिनिश है, प्रॉपर नहीं है, तो इसी तरह से आपकी लाइन होती है, एक तो थिक थिक होती है, दूसरा बैक कॉम्बिंग का बेस दिखता है। तो पुलिंग में होने वाली ब्लंडर मिस्टेक नंबर फाइव, फिफ्थ मिस्टेक हम ये करते हैं, जब भी हम पुलिंग स्टार्ट करते हैं तो पूरी लाइन को एक साथ इस तरह से हम पुल कर देते हैं, हाफ ऑफ हाफ ऑफ नहीं करते हैं, पूरी लाइन एक साथ कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं। ये गलत वे है पुलिंग करने का। पुलिंग करते वक्त होने वाली ब्लंडर मिस्टेक नंबर सिक्स वो है कि जब भी आप इस तरह से लाइन क्रिएट कर देते हैं, यूपिंस लगा देते हैं, स्प्रे लगा देते हैं, स्प्रे एप्लीकेशन कर देते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे घिस घिस कर लाइन को फिक्स करते हैं, घिस घिस कर जब आप इसको क्लीन करते हैं तो क्या होता है, पुलिंग आपका मैसी हो जाता है। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ पुलिंग में होने वाली ब्लंडर मिस्टेक नंबर सेवन। वो मिस्टेक ये है कि जब हम सेक्शन को प्रिपेयर करते हैं पुलिंग के लिए, तो बिफोर पुलिंग हम शाइन स्प्रे नहीं बट हार्ट स्प्रे कर देते हैं। हार्ट स्प्रे से क्या होता है, सेक्शन हमारा स्टिक हो जाएगा, हेयर जो है वो स्टिक हो जाएगा। अब स्टिक हो जाएगा, उसके बाद आप कितना भी उसको पुल करोगे वो पुल नहीं होगा, है ना, क्योंकि हेयर एक बार चिपक गए हैं, चिपक गए हुए हेयर कभी भी वापिस से फ्रेश नहीं होते हैं, राइट। सो आपको कभी भी पुलिंग करने से पहले हार्ट स्प्रे एप्लीकेशन नहीं करना है। अब हम देखते हैं पुलिंग में होने वाली ब्लंडर मिस्टेक नंबर एट, वो है कि जब भी हम लाइंस क्रिएट करते हैं तो हम लाइन रूट से फ्लैट रखते हैं एंड हमारी लाइन सिर्फ और सिर्फ सेंटर में ही दिखती है। स्टार्टिंग से लाइन हमारी बिल्कुल फ्लैट लगती है। सो कभी भी आप लाइन क्रिएट करें, आपकी लाइन रूट से भी हाइट पे होनी चाहिए, मिड से भी हाइट पे होनी चाहिए और एंडिंग में भी हाइट पे होनी चाहिए, इसीलिए हमारी हेयर स्टाइल में फिनिशिंग नहीं आता है। अगर आपको इस तरह से पता चल जाए कि ये स्टेप के साथ आपको जाना है और इसी तरह से आपको काम करना है ये स्टेप को फॉलो करके, तो डेफिनेटली आपके हेयर स्टाइल में परफेक्शन आ सकता है।